देने के लिए चीनी सेना दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। सेना का गुंडागर्दी नहीं चले, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेना होशियार, होशियार, होशियार। चीनी सेना होशियार। राष्ट्रपति का दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चीन का दादागिरी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरे पश्चिम बंगाल में लगातार जब से वो शहीदों 20,000 लोग मारे गए हैं, जवान तभी से लेकर के जो चीन के विरोध में लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों ने जो श्रद्धांजलि देकर के और चीनी सामान का बहिष्कार किया है। कि आप अब समय आ गया है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है, 1962 से लेकर आज तक हमारे फौज के पीठ में छोरा घोंपने का काम चीनी सेना करता आया है। अब हथियारों का जखीरा जो हमारे देश में है, मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, अब समय आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। वो हथियार का जवाब हथियार से दे, गोली का जवाब गोला से दे, न कि 26 जनवरी में परेड के लिए रखा गया है। तो मैं बोलता हूँ अब समय आ गया चीनी फौज को दिखलाना है कि हमारा फौज में कितना साहस है और कितना सामना करने का कुकोत हम लोग रखते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और चीनी माल का सामूहिक रूप से आम जनता से मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए। बंगाल के अंदर में बड़ा बाजार में जितना एक्सपोर्टर लोग है चाइना का, उन लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चीन से व्यापार करना बंद कर दें, चीन को मजबूत करने का काम बंद कर दें, नहीं तो हम लोग उनको अपने आप बंद कर देंगे। बेहतर कलकत्ता से जितने भी एक्सपोर्टर है, कैनिंग स्ट्रीट हुआ, न्यू मार्केट हुआ, जितने भी खिलौना के एक्सपोर्टर लोग हैं, सबसे निवेदन है कि अपना व्यापार बंद कर दो चाइना से। क्यों? क्योंकि वो लद्दाख के अंदर में हमारा सैनिक लोग के संग में माने निर्मम हत्या कर रहा है उनका, उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे वो लोग सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारतीय सेना एकदम रेडी है